शिट, पेटीएम वॉलेट बंद हो रहा है, 10,000 का नुकसान हो गया। हे नमस्ते दोस्तों, मैं परम आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम बैंक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक जो अभी नया ओपन हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है, कैसे अप्लाई करता है, क्या इसके बेनिफिट है और पब्लिक FAQs क्या है, क्या होगा आगे, कैसे कुछ करना होगा, तो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें पास में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो की नोटिफिकेशन जान सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, पेटीएम ने 17 मई 2017 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया हर न्यूज पेपर में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उसकी कटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर कस्टमर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, थैंक यू फॉर बींग इट्स वैल्यूएबल कस्टमर। यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं पेटीएम वॉलेट को यूज करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। नीचे की तरफ हम करें तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जो लाइसेंस था रिजर्व बैंक का, वो फाइनल लाइसेंस है, वो हो चुका है, मिल चुका है अप्रूवल। और हम 23 मई 2017 से, मतलब आज 19 मई है, तो 4 दिन बाद हम ये शुरू करने वाले पेटीएम पेमेंट बैंक। तो नीचे की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ RBI द कंपनी विल बी ट्रांसफरिंग। हाँ, ये बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वॉलेट से एक बैंक में ट्रांसफर हो रही है जिसके ऑनर श्री विजय शेखर शर्मा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर करंट पेटीएम वॉलेट विल नाउ टू द पेटीएम पेमेंट, जो आपकी करंट पेटीएम वॉलेट है ये सीधे से ट्रांसफर हो जाएगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल सा कि KYC है तो वो KYC में ट्रांसफर हो जाएगी, यदि KYC नहीं है तो KYC में तो भी वो ट्रांसफर हो जाएगी, बट उसके बाद आपको शायद KYC देना पड़ेगा। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं, इफ़ यू चूज नॉट टू कंटिन्यू द एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ पेटीएम वॉलेट, तो यहाँ पे लिखा है कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप पेटीएम वॉलेट का यूज़ या पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ करें तो आपको help@paytm.com पे मेल करना होगा या फिर paytm.com/care पे आपको एक फॉर्म भरना होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ योर ऑप्टी आउट एंड रिडीमिंग योर बैलेंस बाय वन टाइम ट्रांसफ़र टू योर ऑन बैंक। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेल करके अपना जो भी पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में रिडीम करना बहुत ही सिंपल है, यदि आप नहीं जानते तो उसके आगे तो आगे मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है, प्लीज़ इंडिकेट द अकाउंट होल्डर नेम, तो ये सारी चीज़ें हाँ डालनी पड़ती है वहाँ पे। ओके, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ, इफ़ यू वॉलेट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर लास्ट 6 मंथ एंड एज 0, इट विल बी ट्रांसफर टू द पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ओनली। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि 6 मंथ तक यदि आप इनएक्टिव वॉलेट है तो आपका पेटीएम जो वॉलेट है वो पेटीएम बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेल करना होगा help@paytm.com पे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो पेटीएम की तरफ से अब एक बड़ी खबर आ रही कि पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए CEO अनाउंस हो गया है, रेनू सेट्टी, जो आप देख सकते हैं रेनू सेट्टी नई CEO है पेटीएम पेमेंट बैंक की। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ FAQs की जो पब्लिक के कॉमन FAQs है। तो सबसे पहला FAQ है, व्हाट हैपेंस टू माय करंट पेटीएम वॉलेट। तो यहां पे दो कंडीशन है, एक है KYC और एक विदाउट KYC। यदि आपका पेटीएम वॉलेट KYC में है तो सिंपल सा पेटीएम पेमेंट बैंक में चला जाएगा विथ KYC। देन आपका जो KYC नहीं है पेटीएम वॉलेट तो ये भी सिंपल सा चला जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। ऐसा कुछ नहीं कि आप इस जो जिसका विदाउट KYC है वो बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक 23 मई के बाद जब चला जाएगा पेटीएम वॉलेट पेटीएम पेमेंट बैंक में तब आप बाद में KYC इसकी करा सकते हैं। आगे पूछते हैं, वॉट हैपन्स टू माई मनी इन द पेटीएम वॉलेट, जो भी मेरी मनी है पेटीएम वॉलेट में उसका क्या होगा। तो आपकी मनी पेटीएम वॉलेट में सेफ थी और जो पेटीएम पेमेंट बैंक में जाएगी वो भी बिल्कुल सेफ रहेगी। बस फर्क इतना रहेगा कि अगर आपने पिछले 6 मंथ से अगर इनएक्टिव है आप पेटीएम वॉलेट पर तो आपका पेटीएम वॉलेट पेटीएम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा। यदि आपको ट्रांसफ़र कराना भी है तो 23 मई से पहले आपको ईमेल या फिर फोन में कॉन्टैक्ट करके उनको बताना होगा कि आप मेरा पेटीएम वॉलेट पेटीएम बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। आगे पूछे, डज दिस मीन आई गेट अ बैंक अकाउंट विद पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम की तरफ से कोई अनाउंस नहीं है कि आपको जो अकाउंट नंबर मिलेगा IFC कोड मिलेगा, जैसे एयरटेल में हुआ था कि उन्होंने अकाउंट नंबर दिया था IFC कोड दिया था, तो ऐसा अभी पेटीएम कुछ भी नहीं लाया है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सिर्फ ये ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं अभी के लिए, बाद में कुछ अनाउंस होंगे वो हमें पता नहीं है, अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे से बोल रहे हैं कि ऑनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, एक मोटा मोटा काम किया जा रहा है।
देन आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पूछा गया कैन आई मूव माई मनी टू एनी अदर बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जो मनी है वो किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन आगे पूछते हैं यहाँ पे, इज़ इट मैंडेटरी टू ओपन एन अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक वंस इट इज़ लॉन्च टू कंटिन्यू यूजिंग द वॉलेट। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट विथ पेमेंट बैंक टू यूज़ द वॉलेट। आपको कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसे यूज़ करें ही करें, या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। वो आगे पूछते हैं क्या मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूँ, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ। तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। आपको paytm.com/care या फिर उनकी ईमेल आईडी पे या फिर उनको कॉल करके कहना होगा कि मैं इसे ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपना वॉलेट यूज़ करना चाहता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आगे पूछते हैं डू आई हैव टू पे एनी फी फॉर दिस ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है पेटीएम को अपना वॉलेट टू बैंक में, वॉलेट टू पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये कुछ FAQs थे, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत सारा बेनिफिट्स है, उसमें से पहला बेनिफिट यदि है तो वो है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारा सुना होगा पेटीएम इतना इंटरेस्ट रेट देगा, आप मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट रेट होगा। यदि आप नॉर्मल आदमी को सोचता है तो कहता है 6% 7%, लेकिन दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 15% इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 15%। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देती जितना पेटीएम दे रहा है। 15% बहुत ज़्यादा होता है 15%, तो आप पेटीएम को जरूर ज्वाइन कीजिए, वो 15% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठाइए। सेकंड जो है बेनिफिट है वो इसमें वर्चुअल कार्ड का। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम आपको इशू करेगा डेबिट कार्ड, जिससे आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें कर पाएंगे। जब डेबिट कार्ड इशू होंगे पेटीएम के थ्रू तो हो सकता है पेटीएम के ATM भी आए, ऐसा मतलब अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब डेबिट कार्ड इशू होंगे तो ऑब्वियसली ATM जो खुलेंगे। इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो है आपको मिलेगा पर मंथ ₹60 आपके वॉलेट में। जी दोस्तों, आपसे सुनना, ₹60 वॉलेट में आपको पेटीएम यू ही देगा। इसके हिसाब से आपको साल में मिलेंगे ₹720 आपको पेटीएम पूरे साल में यू ही दे देगा। यदि फोर्थ बेनिफिट की बात की जाए तो फोर्थ बेनिफिट में आपको मिलेगा पेटीएम की तरफ से ₹1,00,000 का इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, RBI की गाइडलाइंस है कि आप यदि लोगों का पैसा रखते हैं तो आपको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, तो इसी के तहत पेटीएम आपको ₹1,00,000 का इंश्योरेंस भी देगा। तो ये सारी चीजें थी, और मेरी सजेशन आप माने तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, और शायद आगे इन फ्यूचर पेटीएम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आएगा जिससे हम काफी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और 15% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये कोई कम नहीं, आप ज्वाइन कीजिए पेटीएम को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।